देखिए, आमतौर से एक शब्द का यूज होता है गीबत करना। क्या अर्थ और मतलब होता है इंग्लिश में इसको समझते हैं। देखिए, गीबत करना को इंग्लिश में बोलते हैं बैक बाइट, बैक स्टैब, डेनिग्रेट, अब्यूज, गॉसिप, बैड माउथ, डिफेम, स्कैंडलाइज, स्लैंडर, स्पाइट, ट्रेड्यूस, विलिफाई। हिंदी में अर्थ होता है गीबत करना का पीठ पीछे बुराई करना, मतलब पीठ थपथपाना और पीछे जाकर बुराई करने को गीबत करना होता है। मतलब होता है कि किसी के पीठ पीछे उनकी बुराई करना, गीबत करना बोला जाता है। मतलब ऐसी बात कहना किसी के बारे में जो कि अगर वो सामने में हो तो उनको बुरी लगे, उसी चीज़ को हम गीबत करना बोलते हैं। मतलब गीबत करने में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, चाहे वो गाली गलौज करना, गॉसिप करना किसी के बारे में, उल्टी सीधी बातें करना जो कि उनको बुरी लगे अगर वो सामने में हो। ठीक है, सेंटेंसेस में यूज़ करके गीबत करना को हम लोग और भी अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे बोलेंगे, दूसरों की जासूसी करना और गीबत करना ये गुनाह अपने समाज में आम हो गया है। मतलब वो इंग्लिश में, इट हैज़ बिकम अ कॉमन सिन इन आवर सोसाइटी टू स्पाई ऑन अदर्स एंड बैक बाइट देम, मतलब उनकी पीठ पीछे बुराई करना। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल है इसी से रिलेटेड आपका, कि पीठ थपथपाना फिर गीबत करना लोगों के लिए अधिक विनाशकारी है। मतलब पैटिंग बैक देन बैक बैटिंग इज मोर डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है विनाशकारी, तो इज मोर डिस्ट्रक्टिव टू पीपल, मतलब लोगों के लिए ज़्यादा हानिकारक है, विनाशकारी है। ठीक है, तो उम्मीद आपने गीबत करना को हिंदी और इंग्लिश में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेटर्स, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर वीडियोज लाइक दिस।